प्रेग्नेंट लेडीज या उनके हस्बैंड या उनके परिवार सब में एक क्यूरियोसिटी होती जानने की कि क्या पेट में पल रहा जो बच्चा है उसका मानसिक विकास कैसा है और क्या उसका ब्रेन और बाकी नर्वस सिस्टम अच्छे से डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा बच्चा डिलीवरी के बाद कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये सब उसके मेंटल एंड नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग अल्ट्रासाउंड की प्रेगनेंसी में। ये बहुत ही रिसेंटली इस पे जोर बढ़ा है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज में इस चीज की बातें बढ़ी हैं, तो आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों इस अल्ट्रासाउंड का नाम है फीटल न्यूरोसोनोग्राफी। नाम बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फीटस का मतलब पेट में पल रहा बच्चा, न्यूरो मतलब उसके दिमाग और नर्वस सिस्टम की, सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड। तो ये तीन इस आज का हमारा टॉपिक जो फीटल न्यूरोसोनोग्राफी है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक प्रेग्नेंट लेडी और उसके फैमिली वाले कैसे अश्योर्ड रह सकते हैं कि उनका बच्चा का ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन। दोस्तों हमारा एक साइंस बेस्ड चैनल है, इसमें हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिकल नॉलेज की बात करते हैं, रिसर्च बेस्ड मेडिकल नॉलेज की बात करते हैं और इसको जन साधारण की भाषा में, आम भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए दोस्तों। हाँ, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे हमारे जो रेगुलर वीडियोज हम लोग अपडेट कर रहे हैं नई नई चीजों पर हेल्थ से रिलेटेड जानकारी का, उसको आप मिस ना करें। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इस फीटल न्यूरोसोनोग्राफी के बारे में। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पहले तिमाही में जो न्यूरोसोनोग्राफी होती है और दूसरा जो दूसरी तिमाही में न्यूरोसोनोग्राफी होती है। तो दोस्तों जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में न्यूरोसोनोग्राफी होती है वो 12 टू 15 वीक्स में होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको आपके रेडियोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट जो है एंटी स्कैन के साथ कंबाइन करते हैं और इसमें कुछ ऐसी लीथल एनोमलीज को रूल आउट किया जा सकता है कि जो अगर प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करेगी तो बच्चे के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो अगर इसमें बच्चे के ब्रेन को अच्छे से देखा जाए 12 वीक्स के बाद में, जब हम लोग इस 12 वीक के बाद में इसको करना उचित रहेगा, तो इसमें हम लोग बच्चे का देखेंगे जो ब्रेन की हड्डी है वो बनी है कि नहीं बनी है, ब्रेन का स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ समझ में आने लगता है, उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं, ये भी हम लोग को पता चल सकता है। फिर दोस्तों हम लोग बच्चे का स्पाइन भी दिखने लगता है, कई बार स्पाइन में एक बीमारी होती है मेनिंगोसील, मतलब जिसमें सूजन रहती है जो बच्चे की लाइफ को आगे हैम्पर करेगी, तो उसको भी हम लोग अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में पता कर सकते हैं। तो जो करंट इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, वो लोग इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब हम लोग एंटी स्कैन कर रहे हैं उसमें हम लोग बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अच्छे से देखें, क्योंकि अगर कोई लीथल एनोमली हो तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस हो, उसके बाद पेरेंट उसके बारे में जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सके। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपना मेन न्यूरोसोनोग्राफी, जो हम लोग फिटल सोनोग्राफी जो हम लोग 22 to 26 वीक्स में करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या सबके लिए इंडिकेटेड है, तो किसके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है जिनमें फिटल न्यूरोसोनोग्राफी करनी चाहिए। पहली चीज, अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है या पहले का कोई बच्चा जिसमें कुछ ब्रेन की ऐसी विसंगति पाई गई, कोई ऐसी एनोमली पाई गई है, स्पाइन की कोई एनोमली पाई गई है, या दोस्तों एंटी स्कैन में ऐसा कोई सस्पिशन है कि नहीं कोई चीज हो सकती है जिसमें डॉक्टर संशय में है, अब तक ब्रेन डेवलप हो जाता है, उस सस्पिशियस केसेस में करना चाहिए। अगर डुअल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर में कोई क्रोमोसोमल एनोमली का संशय है, या माँ में कोई इन्फेक्शन पाया गया है जो कि हम लोग जेनाइटल ट्रैक्स का इन्फेक्शन कहते हैं, तो उन केसेस में भी न्यूरोसोनोग्राफी जरूरी है, क्योंकि कई बार माँ के जो इन्फेक्शन जैसे रुबेला होते हैं, साइटोमेगालोवायरस होते हैं, इनके इन्फेक्शन बच्चे के ब्रेन तक पहुंच सकते हैं, तो उस केसेस में भी न्यूरोसोनोग्राफी जरूरी है। बच्चे में कोई हार्ट डिजीज है जो करंट प्रेगनेंसी चल रही है जिसको हम लोगों ने फीटल इकोकार्डियोग्राफी में डायग्नोस किया है, उसमें भी न्यूरोसोनोग्राफी करनी चाहिए। तो इन इंडिकेशंस अगर हमको मिलते हैं तो हमें 22 से 26 हफ्ते के बीच में फीटल न्यूरोसोनोग्राफी करानी चाहिए। और दोस्तों अब हम लोग इसके बारे में बात करने से पहले देखेंगे कि बच्चे का ब्रेन कैसा होता है, तभी हम लोग उसके बारे में समझ पाएंगे कि उसके बारे में आपके डॉक्टर कैसे जानकारी लेते हैं। तो आपने अखरोट तो देखा होगा, अखरोट के दो हिस्से होते हैं और उसमें कई सारी परतें होती हैं, कई सारे लहर आपको लहर जैसा दिखता है, कुछ कुछ हमारा ब्रेन भी ऐसा होता है
और जो बच्चा होता है, जो पेट में पल रहा बच्चा होता है, शुरू में वो सरफेस स्मूथ होती है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो उसके सल्केश, उसके सल्काई और गायराई उसमें बनते हैं, और जो आप लोग उभार नीचे ऊपर जाने का प्रक्रिया है वो चीजें और अच्छे से बन जाती है, तो धीरे धीरे वो अखरोट की तरफ बढ़ता जाता है, फ्लैटनेस से उसके सल्काई और गायराई धीरे धीरे अच्छे से डेवलप होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ब्रेन के अंदर अंदर एक वेंट्रिकल होता है जिसमें फ्लूइड होता है ब्रेन के अंदर, जो कई कई बार आपने सुना होगा कि दिमाग में सूजन आ गई तो उस फ्लूइड की स्टडी होनी चाहिए जो है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपके जो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं या जो आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं या गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग क्या क्या चीजें इसमें देखेंगे। तो जो जब हम लोग इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेन को बाहर से देखेंगे कि उसकी हड्डी जो जो स्कल बोन्स है वो इंटैक्ट है कि नहीं, कहीं कोई उसमें डिफेक्ट तो नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे ब्रेन की जो परतें हैं उनका डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। आपको जान के दोस्तों, आप लोग जान के सरप्राइज होंगे कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी हर स्टेज पे ब्रेन का अपीयरेंस अलग रहेगा। तो जिस समय हम फीटल न्यूरोसोनोग्राफी कर रहे हैं, क्या उसके सल्केशंस जो हमने बताया कि जो उसके ऊपर परतें होती हैं, जो लहर होती हैं, क्या वो उस प्रेगनेंसी के हिसाब से नॉर्मल हैं कि नहीं, इस चीज के बारे में ये बहुत ही यूजफुल जानकारी रहेगी ये जानने में कि बच्चे का ब्रेन का विकास या ब्रेन का डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड अप्रोप्रिएट मात्रा में है कि नहीं, उसमें कहीं कोई ज्यादा तो नहीं है। फिर दोस्तों हम लोग ब्रेन की और डिटेल स्टडी करने के बाद हम लोग आएंगे पीछे की तरफ, जहां हम लोग कहते हैं छोटा दिमाग, जिसको सेरेबेलम कहते हैं मेडिकल भाषा में, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम की स्टडी करेंगे, कई बार वहां पे भी सिस्ट होते हैं, उसकी भी डिटेल स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ब्रेन की और कुछ बारीकियों को डिटेल में मेजर करने के बाद फिर आपके रेडियोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट बच्चे की स्पाइन की तरफ जाएंगे। हम लोग स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर रहे हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, फिर हम लोग स्पाइन का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्पाइन में हम लोग जो हड्डी का जो सांचा होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो रन करती है, उसमें देखते हैं कि क्या उसका सांचा अप्रोप्रिएट, जो वर्टिब्रल बॉडीज होती है जिन हड्डियों से स्पाइन बनती है, क्या वो सही रूप से है कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर स्पाइन में देखेंगे कि स्पाइन के ऊपर की स्किन में कोई डिफेक्ट तो नहीं, कई बार मेनिंगोसील नाम की बीमारी जो कि बहुत कॉमन पाई जाती है, वैसा तो नहीं कहीं कुछ इसमें जो है। तो पूरी स्पाइन को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा जाता है, उसके ऊपर एक स्किन देखा जाता है, उसके बोन्स को देखा जाता है, उसके अंदर जो कॉर्ड जा रही है उसको ध्यान से देखा जाता है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को ध्यान से देखा जाता है। फिर हम लोग स्ट्रक्चर अभी तक देखा, फिर हम लोग फंक्शन देखेंगे। फंक्शन दोस्तों कैसे देखते हैं, फंक्शन देखने का तरीका है बच्चे का मूवमेंट कैसा है, बॉडी मूवमेंट कैसा है। और आजकल जब से 3D 4D आया है तब से एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग इमोशंस की भी स्टडी कर सकते हैं इसके लिए, बल्कि कुछ साइंटिस्ट ने स्कोरिंग भी दी है कि बच्चे के इमोशंस को स्टडी करने के लिए जो है। तो दोस्तों ये चीज आपको, ये जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि फीटल न्यूरोसोनोग्राम एक तो पहले तिमाही में जो किया जाएगा वो आपका जो है एंटी स्कैन के साथ मोस्टली कंबाइन किया जाता है, और जिन केसेस में इंडिकेटेड है उसको हम लोग 22 टू 26 वीक्स करेंगे और सारी डिटेल स्टडी करेंगे। और इसके बाद आप एश्योर्ड रह सकते हैं कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी में अच्छा है कि नहीं है जो है, और कई सारी घातक बीमारियों को भी आप निश्चिंत उससे निश्चिंत हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अगर आपको लगता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे हम लोग जिसको हम लोग कवर कर सकते हैं और जिससे लोगों को फायदा होगा, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।